पहला ही क्वेश्चन है कि सेक की पावर 4x माइनस कोसेक की पावर 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 15/4 देन फाइंड 10x। आपसे बेटा 10x पूछे हैं, किसी ने किया है तो आंसर बताइएगा। हाँ जी, कृष्णा कृष्णा शर्मा, शाबाश बेटा शाबाश। प्लस माइनस रूट टू या बेटा आप रूट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया कृष्णा ने। हाँ टाइप कर दीजिएगा, रूट की बात अंडर रूट की बात आती है तो अंडर रूट लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लिख दीजिएगा अंडर रूट, है ना, ये लगा दीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ आऊँगा। हाँ जी चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना। तो मैं ऐसे बोलता हूँ जो खुद की टर्म्स है उनको एक साथ रख लेते हैं हम। सर खुद की टर्म्स कौन सी, मैं बोलता हूँ देखिए ये खुद की टर्म है ना, इसकी रे इसकी, तो इसको एक साथ रख तो ये क्या हो जाएगा। हाँ जी सॉल्यूशन देखते हैं हम। सेक की पावर 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस ले लेते हैं हम, और ये क्या हो गया कोसेक की पावर 4x, फिर ये माइनस हो गया 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू आपके पास 15/4 है। हाँ जी क्या किया था बच्चे आगे। एक जोड़ दे एक घटा दे, बहुत बढ़िया शाबाश बेटा। देखो अगर मैं ये कर देता हूँ तो आपके किसी के कोई समस्या क्या, मैंने एक एक जोड़ा है या एक जोड़ा एक घटाया है, क्या मैंने एक जोड़ा एक घटाया है या फिर एक एक जोड़ा है। ध्यान से देखिएगा, ये +1 है ये -1 है, तो एक जोड़ा एक घटा दिया, ये क्यों किया ये आपको नज़र आ गया होगा, कुछ फॉर्मूले बनाने के लिए हमने ऐसा खेल खेला है। हाँ जी यहाँ से आपको क्या नज़र आया, यहाँ से आपको नज़र आया सेक स्क्वायर एक्स -1 का होल स्क्वायर है माइनस यहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 15/4 नज़र आया होगा शायद। ये नज़र आने के बाद आप बोलोगे मेरे को कि सर ये 10² अक्स का होल स्क्वायर है माइनस ये कोट स्क्वायर अक्स का होल स्क्वायर है इक्वल टू 15/4। यहाँ तक आपके कोई दर्द नहीं होगा, यहाँ तक सारी चीज़ें मज़े में चल रही है। हाँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 10^4x -1/10^4x और ये 15/4 है। आप सोचो अगर ये 16/4 होता तो क्या करते आप, फोर आंसर बोलते कि इक्वल्स टू 4 है, लेकिन ये 15/4 है ना। तो सोचने समझने वाली बात यहीं आती है। हाँ जी यहाँ जो देखो अगर हम इसको पावर में ले गए है ना, पॉलिनोमियल में बनाएंगे तो हम बड़ी मुश्किल से इससे बाहर निकल पाए, लेकिन बेटा यहाँ थोड़ा सा दिमाग वाली बातें कर ले, है ना, मैं तो आपका माइंड ही खोल रहा हूँ। हाँ जी बुगले की तरह सोचो आप थोड़ा सा, है ना, ऊपर जो चल रहा है ना उड़ने वाला, इसकी तरह सोचो, थोड़ा दिमाग को लगाओ, आप दिमाग लगाओ बेटा यहाँ, है ना। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप मेरे से सहमत हो क्या भाई कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ की पावर 4x माइनस 1/10^4x इक्वल्स टू 4 -1/4। देखिएगा ये इसका रेसिप्रोकल है, तो ये इसका रेसिप्रोकल है। हाँ जी है ना, सोचिएगा दिमाग अगर आप लगाते हो है ना उड़ने वाले की तरह। हाँ जी रेसिप्रोकल है तो आपके सामने क्या आया,
आपके सामने आया कंपेरिजन करने से 10 की पावर 4 एक्स इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से आप 10 स्क्वायर क्या लेके आओगे बेटा, 10 स्क्वायर 2 लेके आओगे या प्लस माइनस 2 लेके आओगे? सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे की बात है, 2 लेके आओगे या प्लस माइनस 2? हाँ बेटा प्लस 2। वाई देखो बेटा, ये इधर वाली वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। यहाँ से आपका 10 क्या आ जाएगा, 10x, यहाँ से आपका 10x आ जाएगा प्लस माइनस रूट टू, प्लस माइनस का रूट टू। हाँ बेटा, यहाँ तक अगर कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द या आपको समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ तक शेयर कर सकते हो बातें, है ना। यहाँ देख लीजिएगा भाई थोड़ा सा, ये आपका 10x आ गया,